जनपद हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र के घेरवा जंगल में शव मिलने का मामला। प्रेम प्रसंग में पत्नी ने पति की बांके से गला रेतकर कराई थी निर्मम हत्या। पहचान छुपाने के लिए सर, घर व कपड़े को अलग अलग दफना दिया। आपराधिक प्रवृत्ति के पति मुन्ना यादव का अधिकतर समय जेल में बीत जाने के कारण पत्नी के दोनों जीजा रजन व बच्चों से अवैध संबंध थे, जिसके बारे में मृतक को पता चल गया तो दोनों जीजा ने अपने साथी राकेश से मृतक की पत्नी से अवैध संबंध बनवाए, जिससे राकेश और पूनम में प्रेम हो गया। मुन्ना को रास्ते से हटाने के लिए साथी ब्रह्मा यादव से मिलकर मृतक मुन्ना को पूर्ण नशे में कर बांके से गला रेतकर हत्या कर दी। अतरौली पुलिस ने पत्नी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हत्या में प्रयुक्त बांका भी पुलिस ने बरामद किया। पुलिस अधीक्षक ने निर्मम हत्या का खुलासा करते हुए अतरौली पुलिस को इनाम के रूप में 10,000 का इनाम दिया। थाना अतरौली में ग्राम घेरवा में 18 तारीख को एक बॉडी मिली थी, जिसमें उसका धड़ अलग था और सर अलग करके फेंका गया था, जो लगभग धड़ और सर के बीच 200-300 मीटर की दूरी थी। एक विभत्स तरीके की हत्या थी, जिसमें तत्काल थाना अध्यक्ष द्वारा मौके पर जाके कार्रवाई की गई। फोरेंसिक टीम भी पहुंची, मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें जो मृतक था, मृतक का नाम मुन्ना यादव है, जो कि अपराधी प्रवृत्ति का था और उसकी अपनी पत्नी से भी अनबन रहती थी। उसकी पत्नी के अपने जीजा और अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध थे, जिसके लेकर अनबन रहती थी। पत्नी ने नाराजगी में आके उसको मारता पीटता था, जिसे पत्नी ने नाराजगी होकर उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र रच के तीन व्यक्ति, पूनम जो उसकी पत्नी है, राकेश और ब्रह्मा यादव, इन लोगों ने मिलकर उसकी हत्या की। इसमें इसके पूनम जो है, उसकी जीजा रंजन और बच्चू, ये भी षड्यंत्र में शामिल थे, जिनकी पुलिस के पास है। कैसे मारा गया? एक बांका था, जो कि लकड़ी काटने इत्यादि का होता है, उससे गला को रेत, शराब पिलाने के बाद जब नशे में पूरी तरह हो गया तो गला को रेत कर हत्या कर दी। दोनों ही घटनाओं के खुलासे के लिए और दोनों में सही अभियुक्तों को तलाश करके पकड़ने के लिए अतरौली पुलिस को जो टीम है उसको मेरी तरफ से 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा।